आज ये डे विथ ए क्रिकेट स्टार रो नवम एपिसोड रे अछंती आम पाखरे अछंती जाजपुर रो यंगेस्ट प्लेयर मिस्टर आरके पांडे। निश्चित रूप से आरके भाई आपण आपणकर व्यस्तबहुल समय रु किछि समय हमकु हम आरजे 123 परिवार को देथवारु आपणकु बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिकेट रो यात्रा आरके पांडे ई जो आरके पांडे रो ना रे भी गोटे यूनिक अछि ई आरके पांडे रो ना रो यूनिकटा प्रथम आपण कोंथु तो पाखापाखि मुझे कहबी तो मैक्सिमम लोक पाखापाखि 90% लोक आरके रो माने किसी जान ना खाली पांडे जानते मतलब पांडे नाम भी जानते तो आरके रो फुल फॉर्म होची रूपक कुमार पांडे जोटा कि शॉर्ट रे लिखा होची आरके पांडे। नहीं आपण एमती क्रीडाबित अंतर्जात स्तर में जो क्रीडाबित आम भी भाव देखते स्पेशल केस रे तो मुझे भावे आरके पांडे माने से अंतर्जात स्तर जो पांडे खेलु नाटा को नाम अनुसरण कराटा देखते यथार्थ कौन नहीं 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 एक्चुअली मो ना होची रूपक कुमार पांडे मुझे अंतर्जात क्रिकेटर नाम रखनी मो ना हूँ आरके आपण आगुरु माने आद्यरु सेटा आरके पांडे रखी जो क्रीडा जगत रे प्रवेश कले आपण इवेन मोर भल भाव मन अच्छे मुझे जो फास्ट मैंने डेब्यू मैच रु मोर आरके पांडे अच्छे आतापर से ना ही सही ना ही कंटिन्यू होई छी मु केबे ना चेंज करनी आरके पांडे प्रथम मैच रु आरके पांडे अछि। आरके पांडे जने युवा क्रिकेटर रूरल एरिया रे जति आमे देखिबा जाजपुर जिल्ला रो आपण धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूएंसी रे जाउचंती आउ जने युवा प्लेयर आउ आरके पांडेंकर जे अधिनायक जतळे रुहंती तांको दल रे खेलुचंती आरके पांडे अधिनायकर भरोसा थाय आरके पांडे अछंती किछि भी करि पारंती। ए क्रीडा जगत रे केते वर्ष धरि आपण क्रिकेट केते वर्ष वयस रे आपण क्रिकेट को प्रवेश कले आउ केते वर्ष धरि आपण क्रिकेट खेललेनी क्रिकेट को प्रवेश करवा पाखापाखि मोर प्रथम मैच को आज की पाखापाखि 12 वर्ष खंडे हो गला बहुत मैंने छोट बल क्रिकेट खेली तो प्रथम जब क्रिकेट रो जर्नी कह तो क्रिकेट मैच स्टार्ट कली मुझे 10th परीक्षा दे सारि तो आमर ये लोकाल खेल हुए टेनिस बॉल ये जो रेड बॉल गुरु बॉल खेल हुए तो मुझे प्रथम आम एक्चुअली मु प्रॉपर घर हूँ ब्रह्मवर्धा खंडास कि छोट बेले आम ये आरुआ अच्छी आरुआ पाखे कोल्हारे मो माउस घर जेहतु मुझे छोट बड़े मोर स्टडी करे से रुए तो से ही कोल्हा गाँव रु मैंने क्रिकेट मुझे आरंभ कर मैंने जदि कह टेनिस क्रिकेट किंतु ता पूर्व जो बहुत छोट थी इवेन चतुर्थ कि पंचम पढ़ु थी तो सेत बलू मु स्कूल फुल बंद करके बहुत क्रिकेट प्रेम थी आउ स्कूल बंद करके क्रिकेट मैच देखे रेडियो शुणे घर लुचिक रही जाए तो सेत बड़े भी घरे मैंने मत सपोर्ट करुले किंतु क्रिकेट जदि कह क्रिकेट खेल आरंभ कली तो मुझे 10th पर 2012-13 सीजन रे आमर गोटे मैच थी कोल्हा सिंह बोली गाँ अच्छी से प्रथम मैच डेब्यू करी कोल्हा तरफ डेब्यू करी तो सेठ मोर क्रिकेट आरंभ हो टेनिस क्रिकेट आरंभ हो क्रिकेट जगत रे आरके पांडे एमती अनफॉर्चुनेटली एमती पसिले ना का को आइडियल भाभी से क्रिकेट जगत को प्रवेश कले ना नहीं अनफॉर्चुनेटली नुहे मु मोर आइडियल भाव इंटरनेशनल क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की हमने इवेन मुझे जर्सी नंबर भी सब बेले वेयर करे कि 10 नंबर जर्सी नंबर सब पिंधे सचिन तेंदुलकर खेल छोट बलू देखी देखी इन्स्पायर होगी क्रिकेट जगत एंट्री रूरल एरिया रे आरके पांडे क्या पसंद कर क्या द्वारा अनुप्राणित हो क्रिकेट जगत रे प्रवेश कर नाई सेमती नाई मु प्रथम इंटरनेशनल सचिन तेंदुलकर खेल देखिकी मुझे बहुत इन्स्पायर होती ही मुझे क्रिकेट जगत मैंने एंट्री कर तो आपण जड़े यंगेस्ट प्लेयर बहुत बर्तमान आप बयस बहुत कम एज क्रिकेट खेल भविष्य कौन रखी क्रिकेट रे आप आगे कौन करने चाहते निश्चिंत भाव में भविष्य में छोट बलू मोर गोटे एम थी कि मुझे क्रिकेट खेल धर स्टेट खेल कि रिप्रेजेंट करी स्टेट तो धीरे धीरे तो आशा से मौली जाऊँ फिर भी तथा प्रयास अच्छी आम केडीएम थ्रो रे बहुत भल प्लाटफर्म रही केडीएम तो ता थ्रो रे चेष्टा करूँ आगे हे तो यदि डिस्ट्रिक्ट किंवा स्टेट रिप्रेजेंट कर पारि तो चेष्टा जारी रही है सही क्रिकेट रे देखो वर्तमान देखिया सब क्षेत्र में आम जी देखा ओडिशा रे बहुत जदि आम देखा नाच गीत अलग जो प्लाटफर्म अच्छी इनस्टेट क्रिकेट क्रिकेट को छाड़ी अलग सब प्लाटफर्म ओडिशा रे बहुत माने उद्यमान प्रतिभा बाहर किंतु आमर मु समस्त को भी मोर इंटरव्यू रे पचारे भाई आउ कोठी आमर ल्याक रही जाउची अभाव रही जाउची कि ओडिशा हो जाजपुर हो भलो क्रिकेटर टे भारी पारुनी कि गोटे आईपीएल हो से कन्स्टांटली खेली पारुनी कोठी रे अभाव रही जाउची जेतु आपण जने क्रिकेटर क्रिकेट सहित आपण अंग अंग भाव जड़ित तो कोठी अभाव रही जाउची आम पिला मानकर निश्चित भाव रे आमर रहउची धर पिला मानकर आमर जो बाहर स्टेट रो जो माने प्लेयर रोचन तांगर फैसिलिटीज बहुत रोची स्कूल रो क्रिकेट आरंभ होची तो आमर जदि क्रिकेट आरंभ करियो जदि कोनोस पिला प्रथम टेनिस बॉल आरंभ करू जोटा कि सबुठ बड़ इंपैक्ट पकोची प्लेयर उपर जदि प्रथम स्टेज रु ड्यूस बॉल रु क्रिकेट आरंभ करती इवन स्कूल ले भी जदि ड्यूस बॉल रो क्रिकेट को प्राधान्य दिया जाए
तो छोट बलु जदि क्रिकेट को कौन प्लेयार खेल निश्चित भाव से रिप्रेजेंट करेंगे और से जो प्लेयार रिप्रेजेंट कर तार मनोबल डिपेंड कर गोटे कनसनट्रेट रहा दरकार। तो मुझे भावुँ फैसिलिटीज टी कम रोज इवेन कटक भुवनेश्वर ठार आम जाजपुर में भी फैसिलिटीज कम रोज पर्टिकुलर गोटे दुटा जगार ही ड्यूज बल क्रिकेट खेल होता गोटे मैटर कर रिजनटा बहुत मैटर कर आउ गोटे जिनस हूँ धर जदि छोट बलू क्रिकेट कर खेला जड़े मैंने क्रिकेट ड्यूज बल्लु आरंभ कर तो निश्चित भाव में आम जब टेनिस आज गोटे एत बड़ प्लेयार हो पार मत के जानते यदि मुझे ड्यूज भी खेली था सेमती इवेन मुझे ट्राएल्स दे पारती ना आटलिस्ट जाए गोटे प्रफेसनाल क्रिकेट में जोगदेव खेले गोटे कन्फिडेन्ट आसता। तो मुझे भावुँ जदि स्कूल स्तर में कि छोट बलू ड्यूज बल को प्राधान्य दिया हुए हे तो आम ओडिशा भी प्लेयार प्रेजेंट करें आउ अलग स्टेट जो फैसिलिटीज अच्छी सेटा भी आम ओडिशा रे अवेलेबल हेले निश्चित भाव प्लेयार आगू जाए। गोटे भाई आम कह प्रीवियस मुझे जो केडीएम वाइस प्रेसिडेंट अच्छा रंजन भाई को प्रतिक्रिया नहीं थी सी क्रीड़ा विषय कहले कि बर्तमान ये गोटे हूँ क्रिकेट गोटे एक्सपेन्सीव मानने गेम यहाँ गोटे आयोजित कला बेले जो ड्यूज कथा हुए बहुत गुड़े जिनस दरकार रूराल एरिया देखु आप पूरा देखिबा क्रिकेट सीजन तो बर्तमान आसी सारे क्रिकेट गली कंधी चारिआड़े क्रिकेट खेल होती समस्ते गोटे प्राधान्य गोटे देखो गोटे गाँव में पांच सतटा टूर्नामेंट होती सबुगुड़ाक आमर यही आमर रबर बल खेल होती जो कहले कि ड्यूज बल कथा कहले जदि से निश्चित रूप से आयोजन न करेंगे तेल आम पिला जदि कटक भुवनेश्वर खेलला सी रूराल एरिया नाटी तार चिन्ह करी आम देखा से बहुत प्लेयार अच्छा यार भाई कटक भुवनेश्वर प्राक्ट करी मुझे ड्यूज बल प्राक्ट करी एटी आसिक से बल्टा खेली हम ना तो रूराल एरिया यहाँ परिवर्तन करवा दरकार ना ना निश्चित भाव में निश्चिंत परिवर्तन करवा दरकार मोर भल भाव मन अच्छे जो प्रथम केडीएम आरंभ होता से बैट हो कि ग्लोवस हो पैड इवेन ये सब जिन मैंने जो प्रफेसनाल क्रिकेटर जहाँ सब दरकार से सब डिस्ट्रब्यूट होता जोटा गोटे बढ़िया प्लाटफर्म था धीरे धीरे देखुं कर्क बल भी इवेन जब हाँ मैच कर्क टूर्नामेंट भी हाँ से पाखापाखी प्रफेसनाली हो जाए तो जो कर्क खेल ड्यूज खेल टे इजी हे कि टेनिस ड्यूज खेलवाटा टी कष्ट तो मुझे भावुँ लोकाल जदि ड्यूज क्रिकेट कि कर्क क्रिकेट अधिक प्राधान्य दिया हुए तो यह सब चेंज हो पार भल प्लेयर भी ओडिशा बाहर पार आप तो क्रिकेट बहुत खेली तो क्रिकेट रे को ग्राउंड रे आपण खेलिले आपको बहुत शांति लगे आउ एटी दर्शक समर्थन मध्य थाए एमती कोड ग्राउंड अच्छी आपण तो ग्राउंड हूँ दुटा ग्राउंड मुझे चूज करी तो प्रथम ग्राउंड हूँ मो निज होम ग्राउंड खंडास रे जो कि बहुत बड़ टूर्नामेंट हुए तो से ग्राउंड में मुझे जितेबले भी खेले मत बहुत नर्वस लगे आ दर्शक मान सब फोकस थाए जे आम गाँ पाटा बाहर जाए खेलुची एमती खेलुची सेमती खेलुची तो आम ग्राउंड में कौन खेल मुझे आज जाए से मैंने मोर हाएस्ट स्कोर हूँ 18 मुझे आज जाए 20 क्रॉस कर पारे निज होम ग्राउंड में 18 हूँ हाएस्ट स्कोर जोटा कि मतलब बहुत प्रेसर लगे तो से ग्राउंड आउ गोटे सेकेंड ग्राउंड हूँ कोल्हा जोटा कि मोर से भी गोटे होम ग्राउंड कारण यहाँ मोर घर हेल्ले से छोट बलू रही कि क्रिकेट खेली से ग्राउंड में भी सेमती मुझे भल प्रदर्शन करनी जोटा कि सब दर्शक मान फोकस थाए कि ये प्लेयर बाहर जाए खेलुची आउ एत ना तार एमती सबुदिन जाऊँ खेल आम निज ग्राउंड में कौन करुँ तो ये दुटा ग्राउंड एवं पर्यटन फेल अच्छी से मतलब बहुत प्रेसर लगे आउ भविष्य इच्छा अच्छी से ग्राउंड में सेंचुरी करने तो आरके पांडे बेस्ट स्कोर के हाएस्ट स्कोर जोटा कि सबूत स्मरणीय रही तो हाएस्ट स्कोर मोर 107 जोटा कि डेराबर ग्राउंड में थी तो सीटा सेमिफाइनाल मैच थी 20 ओवर मैच था निज होम टीम खेलुँ तो पाखापाखि आम स्कोर भल चलता 6 ओवर 45 कि 47 रन में 6 विकेट पड़ जाता तो से भाया सिचुएसन में मुझम को बाहर करी 107 रन से मो हाएस्ट स्कोर रही है से इनिंगसटा आज पर्यटन मुझे मैंने भूली पारूनी जमी इनिंगस बिल्ड है कि से इनिंगसटा मोर सब बेस्ट रही आरके पांडे गोटे शतक संतुष्ट हे ना 6 बल 6 छक्का मारे संतुष्ट हे डिपेंड करुची सिचुएसन जदि दल आवश्यकता करुचर छक्का निहाती दरकार सपोज बर्तमान दल आवश्यकता करें बर्तमान आप बर्तमान फास्ट बैटिंग चलती आपड़ अच्छा ग्राउंड रे हजार हजार दर्शक अच्छा किंतु आपण को दुटा सुजोग अच्छे आपण को दुटा सुजोग अच्छे सपोज आप दुटा सुजोग अच्छे 6 बल्ले 6 छक्का मारे आउ गोटे सेंचुरी मारे अच्छे सेंचुरी मारे अच्छे से धीमा सेंचुरी बट 6 बल्ले 6 छक्का जोटा मारे ये पूरा 100 मारे 6 सेंचुरी की चाहिए मुझे सेंचुरी की प्रेफर करी सेंचुरी जिते धीमा हो इवन 150 बल्ले भी सेंचुरी जदि हुए मुझे सेंचुरी की प्रेफर करी जते आप आरके पांडे को गोटे ड्रीम इलेवेन बर्तमान दिजिव तो आरके पांडे ड्रीम इलेवेन को प्लेयर को रखिए हाँ 11 प्लेयर आरके पांडे विथ आरके पांडे से अच्छा तो आरके पांडे 10 जन को चूज करेंगे।
तो का का से नेबे सेंती तो बहुत भलो प्लेयर अछंदी सब तते आपन फास्ट कय पड़ो डिफिकल्टी हबो तो ओपनर हिसाब रे यदि चाहिबी श्रीवस्त नायक तांके से तो मु ओपन करबे तो दुई फास्ट डाउन यदि देखिबी स्वागत नायक जे कि माने प्रेशर सिचुएशन रे बेस्ट बैट्समैन स्वागत नायक तो चार नंबर रे जितेंद्र मल्ला कि से भी मतलब बहुत भला प्लेयर पांच रे एम जे चंदन जे कि ता सहित मु करियर आरंभ कर छी से बहुत भला प्लेयर बहुत भला इनिंग्स खेले एम जे चंदन छ नंबर रे कुना साहू तो मैंने जाजपुर डिस्ट्रिक्ट मतलब सब भल लगे कुना साहू खेल खेल ठार अधिक पर्सनालीटी मैंने पर्सनालीटी से 10-20 मार्क भी देखे कम हम छबर है सात नंबर रे सानू राउत बेस्ट ऑलराउंडर सानू राउत आठ नंबर रे कोल्हा टीम रे जन से प्लेयर जे कि लेफ्ट हैंड बॉलर से क्रिकेट खेलु ना तांको रखियो छ आमी सीताकांत साहा नौ नंबर रे ऑर्डर टिके डिफरेंट हबो इमरान नाजीर 10 नंबर से सर अपन रही है चंती दस लास्ट कोलसाई पटना जान चंती जो दर्पणी पाखरे गोटे गाँ अच्छी से गोटे राजू भाई बोली गोटे प्लेयर जे कि एवं क्रिकेट खेलु ना से खेलती से केवल बोलिंग करती से राउंड राउंड बोलिंग करेंगे इवेन एवं जो कटर चलती कि लेफ्ट हैंड बोलर पकाउं मैंने बहुत बेटर बल पक मैंने एमती कौन बैट्समैन नहीं कहीकि गोटे दुटा मानने बाउंड्री बाहर करदेव किए करदेव सेमती आम देखनी तो रखी तापर आपन गोटे क्वेश्चन आसो रैपिड राउंड रो गोटे क्वेश्चन आसो फेस टू फेस आपन को आंसरिंग कहे पड़ो रूरल एरिया आपन बेस्ट बॉलर काक मानिबे सीताकांत साहनी काहे कि आपन एते तंगु माने मु तांका सहित 5 वर्ष 7 वर्ष क्रिकेट खेली छी एकाकी मैच जितै छथि हमकु पाखा पाखी आमे प्रेफर करू निज गां पिला खेलिया पई बाहर किछि प्लेयर आमे आनु ना तो जिते भी सिचुएशन माने आमे इवेन हारिबा परिस्थिति रे थाउ से मैच काढ़ी आमको दिखाँ सीताकांत साणी लोकल ने तांको बगला भाव में जानते नेम बगला मुझे प्रेफर करी बेस्ट विकेट कीपर संतोष सर बेस्ट ऑलराउंडर सानू राउत नो डाउट बेस्ट कैप्टेन सुनील महंत बेस्ट रूरल एरिया सब बेस्ट ग्राउंड देखा गले कायमा भल ग्राउंड आम निज लोकल ग्राउंड जोटा कि खंडास भी भल ग्राउंड ये दुटा व्यक्तिगत क्वेश्चन किसी जी आम बर्तमान घरे किए किए अच्छा घरे माँ भौनी बुढ़ी माँ बड़ भाई बड़ भाई अच्छा बाप 2009 एक्सपेक्ट कर ए घरे जो परिवार मेंबर कहले किए क्रिकेट रे आपन को खेल माने खेलिबा को जानती बोली आपन समर्थन करंती ना आपन लुची के क्रिकेट खेली जान नहीं नहीं समस्त समर्थन करंती समस्त समर्थन फैमिली सपोर्ट रही जे सब बेले तो बेसी सपोर्ट का था भाई भौनी पापा तो पापा एक्सपेक्ट कर छन आ मां ए मान को भीतर बेसी आपन के समर्थन करंती भाई समर्थन करंती भाई केबे कही नांती एमती भाई जाइचंदी आपण कही नांती केबे तू आज खराब खेलिचू म जाइतिले आ लोक तते भलो कथा कोनोतिले के सुनिचंदी घरे भाई कहिचंदी भाई फर्स्ट मते धरो एनकरेज करबो एमती खेलिबा सेमती आउट होलु एमती आउट होलु जतरे ग्राउंड रो आउट हे घरु पले चिडेबो चिडेबो कि खेल नाही एमती नाही सेमती नाही खाली पळउची बाहर कि ये करची देन ता किछि समय परे एमती खेलना ना इवन भाई बहुत भल क्रिकेट खेलती सी पाखापाखी बहुत कम मैच खेली जब फब हो सी तो खेली पार ना सी बहुत भल क्रिकेट खेलती आते सब एनकरेज करती आड़ाती भी आई आउट होली कहीं खराब प्रदर्शन कले से भी कहते आरके पांडे कौन क्रिकेट कौन गोटे रखी ड्रीम कौन अच्छी जो क्रिकेट रेटा पूर्ण है जोटा पूर्ण कर चाहूँ से बहुत पूर्ण करने रिप्रेजेंट कर स्टेट हाँ प्रथम तो प्रथम स्टेज हूँ स्टेट रिप्रेजेंट करवा देन हायर लेवल को
ଫୋକସ୍ କରିବେ? ନାଇଁ, ଆର୍ କେ ପାଣ୍ଡେ ପ୍ୟାସନ୍ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଏମ୍ ଅଛି କ୍ରିକେଟ୍ରେ, କିଛି ଗୋଟେ କେତେ ମାସ ସ୍ଥାପନ କରିବେ? ପ୍ୟାସନ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କ୍ରିକେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏମ୍ ରଖିକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଇଭେନ୍ ମୁଁ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟରେ 2 ମନ୍ଥ ରହିଥିଲି, ସେଠି ବି ମାନେ ଧର ଖେଳିଥିଲି, ସେଠି ଟିକେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତାପରେ କଲେଜ ଏଠି ରହିଲା, ସେଠି ଯାଇକି ଖେଳିବା ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେଠି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁଠି ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ରେ ବି ଯେଉଁଠି ଆମର ରହିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହେଡ୍ ଯେଉଁଠି ରହିଛି କ୍ରିକେଟ୍ର, ସେଠି ବି ଯାଇକି କିଛି ଦିନ ଖେଳିଛି, ଜ୍ଞାନ ସାର୍ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି କିଛି ଦିନ ଖେଳିଛି। ତ ଏଇ ଷ୍ଟଡି ଆଉ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ନେଇକି ଟିକେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଯେଉଁ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ ଯିବା କଥା ଠିକ୍। ମୋର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଟିକିଏ ମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲା ଭଳିଆ ରହିଲା। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେସର୍ ବି ରହିଲା ଟିକିଏ, ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାକୁ ଥିଲା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ। ଭାଇ ବି ଇଭେନ୍ ମୋଠାରୁ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ବଡ଼, ଧର ସେ ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ବାହାରିକି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଆଉ ଷ୍ଟଡିକୁ ହାମ୍ପର କରିକି ଖେଳିବା, ତ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ତ ତଥାପି ଏମ୍ ରହିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏବେ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କିଛି ବି ଯଦି ସ୍କୋପ୍ ଥାଏ। ଆପଣ ଡ୍ୟୁଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ମୁଁ ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ୟୁଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଛି, ଇଭେନ୍ କେଡିଏମ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଜ୍ ଟିମ୍ ଅଛି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଅଛି, ତ ସ୍କୋର୍ ବି କରେ କେଡିଏମ୍ ପାଇଁ, ଆମ ଟିମ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ଷ୍ଟେଟ୍ କେଡିଏମ୍, କେଡିଏମ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଧର୍ମଶାଳାରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା ଚାଲିଛି? କେଡିଏମ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି, କେଡିଏମ୍ ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କେଡିଏମ୍ ଆଫ୍ଟର କେଡିଏମ୍ ପରେ କିଛି ସେମିତି ସ୍କୋପ୍ ଅଛି କେଡିଏମ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି, ମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖାହେଉଛି ସେଭଳି କିଛି? ଧର୍ମଶାଳାରେ ତ ସେମିତି କାଇଁ ମୁଁ ନଜରରେ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ରେ, ସେଠି ଯାଇକି ପିଲା ବି ଯଦି ଖେଳିପାରିବେ ଜ୍ଞାନ ସାର୍ଙ୍କ ଅଣ୍ଡର୍ରେ, ତ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆର୍ କେ ପାଣ୍ଡେ ଧର୍ମଶାଳା ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି, କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? କେଡିଏମ୍କୁ ଡ୍ୟୁଜ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଠିକ୍ ଅଛି 75ଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ଡ୍ୟୁଜ୍ରେ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ କଷ୍ଟ, ତ ସେଇଟା ତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ଜୋନ୍ ୱାଇଜ୍ ଯଦି କରିହୁଅନ୍ତା, ଗଲା ବର୍ଷ ଧର ଆମର କେଡିଏମ୍ 6ଟା ଜୋନ୍ରେ ହେଇଥିଲା, ଯଦି ଜୋନ୍ ୱାଇଜ୍ କେତେଟା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଡ୍ୟୁଜ୍ର ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିହୁଅନ୍ତା, ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଜୋନ୍ ୱାଇଜ୍ ବି ଯଦି କେଡିଏମ୍କୁ ଡ୍ୟୁଜ୍ର କରିହୁଅନ୍ତା, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତ ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ୍ ମତ। ଇଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆର୍ଜେ 1-2-3 ତରଫରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛି, ବହୁତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କର କଥାରେ ତାଳତମ୍ୟ ନଥାଏ। ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରତାପ ଭାଇଙ୍କ କେସ୍ରେ ଯିବା, ପ୍ରତାପ ଭାଇ କହିବାର କଥା ରବଲ ବଲ୍ରେ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ, କୁନା ଭାଇ ବି ମଧ୍ୟ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ବେହେରା ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଥିଲା, ସବୁଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ବୁଝନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁଥିରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଭାଇ କହିଲେ କି ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁଥିରେ ଅଛି, ଇଏ ରବର ବଲ୍ରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି? ରବର ବଲ୍ରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଆମର ଧର ଷ୍ଟେଟ୍ର ବି ରବର ଟେନିସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଖେଳିବା ଦରକାର, ନା କି ଆମେ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲୋକାଲ୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନାହିଁ। ଟେନିସ୍ରେ ବି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ତ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ୱେ ଅଛି କି ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯିବା, ଧର ତା'ର କେଉଁଠି ଖେଳିଲେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ଧର ଟେନିସ୍ର ବି ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ହେଉଛି ସେଠି ଯାଇକି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା, ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲେ ଆମେ ରବର ବଲ୍ରେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଚାଲିଛି, ଧର ଚୋକିଂ ଆର୍ମ ଚାଲିଛି, ଏମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟେନିସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ୱେ ରହିଛି ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବା ସେଇ ବାଟରେ ଯିବା ଦରକାର। କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ହେବ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ୍ରୀଡ଼ା ଯଦି ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଷ୍ଟଡିରେ କିଛିଟା ତ୍ରୁଟି ହେବ। ଯେଉଁ ସବୁ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ କେ ପାଣ୍ଡେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କି ପ୍ରତାପ ଭାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କି ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଭାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କଲେ ଇମ୍ରାନ ନାଜିର କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆର ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ରେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାପରେ ଏଇ କିଛି କ୍ରୀଡ଼ା ସରିଗଲା ପରେ ସରିଲା, ସେ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟି ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ବହୁତ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ବଳିଦାନ ଥାଏ, ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଯଚାଯିବ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଯଚାଯିବ, ସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିକି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବେ, ତ ଆପଣ ଆମର ସେଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? କ୍ରୀଡ଼ା ସହିତ ନିଜର ପଢ଼ାପଢ଼ି ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ଇଏ ମାନିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଦରକାର, ଇଭେନ୍ ଷ୍ଟଡି ସହିତ ବି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ହେଉଛି ମାନେ ଅଲ୍ ଓଭର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ତ ଛୋଟବେଳେ ତ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିକି ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଷ୍ଟଡି ସହିତ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ହାଲକା ଭାବରେ ଆମେ ଇଏ କରିବା, ତ
टेनिस को छाड़ी ड्यूज खेल कि धर इंस्ट्रूमेंट घर रखिक इवेन निजे भी जब प्राक्टिस आम रिप्रेजे ट्राएल्स फ्राएल्स अटेंड कर तो मुझे चेस्टा करी समस्त जो मैंने देखिए मुझे कहवापी छोट छोट पिला जो मैंने देखिए किंवा जी देखिए तो मुझे अनुरोध करी टेनिस क्रिकेट कम प्रोफेशनल क्रिकेट अधिक ध्यान दिखते जदि क्रिकेट क्षेत्र आगे जावाक चाहते हाँ यहाँ गोटे पैसन चलती सब गाँव रखापाखि तीन चार टूर्नामेंट होना टी माइक आनाउन्स होता खुशी लगे कि आम क्रिकेट आगे जावाक चाहिए तो आम प्रोफेशनल क्रिकेट को मैंने प्रेफर कर जाजपुर क्या स्टार क्रिकेटर दरवाजा मानते मान्यता देते रूराल एरिया आर के पांडे किए भावती कि ये जाजपुर गोटे स्टार प्लेयर तो मुझे जो प्रथम क्रिकेट आरंभ कली मत केवल गोटे प्लेयर ही भल लगती से गोटे प्लेयर को ना पखापाखि आम एरिया बहुत था जी कुनमुन विजय दास मुझे सहित तो क्रिकेट आरंभ कली से इवेन गोटे प्रति मैच पखापाखि एमती स्कोर करती बोलर तक बोली करने को भी मैंने टे मैंने भावक पड़े कमी बोली तो ये बहुत प्लेयर क्रिकेट खेल बहुत स्टार कुनमुन कथ कह ठीक अच्छे बर्तमान आपड़ कुनमुन भाई को देते ना आउ का देवे से जो ताजा बर्तमान नाउ द सिचुएसन बर्तमान सिचुएसन बर्तमान सिचुएसन देखा गले इमरान नजीर बहुत भल क्रिकेट खेल हाँ सब डिस्ट्रिक जा मैच आम डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट कर आउट ऑफ स्टेट भी खेल पाखापाखि आम गाँ पाखे तो इमरान नजीर बर्तमान आपको किसी गोटे प्लेयर किसी प्लेयर को दिज्वे आपको चूज कराया पड़ो आसत मार्किंग भी करा पड़ा नंबर भी आपको देवे कुना साहू पपी जेना एम जे चंदन स्वागत नायक ये चारज प्लेयर भितर आप क्या बेस्ट प्लेयर मान्यता देते और केते मार्क देते कुना साहू स्वागत नायक एम जे चंदन पपी जेना कुना साहू प्रथम प्रेफर करी कुना साहू सेकंड एम जे चंदन थर्ड स्वागत नायक फोर्थ पपी जेना ये थे क्रिकेटर क्रिकेटर मानू कौन वार्ता देवे आम चैनल मध्यम कौन वार्ता देवे न्यू बर्तमान तो क्रिकेटर सीजन आरंभ हो गला देखुच बहुत चैनल देखु क्रिकेट बर्तमान आरंभ हो तो कौन वार्ता देवे वार्ता ये कहवाक चाहिए जो आम जो क्रिकेट खेलुंटो टेनिस क्रिकेट खेलुं तो टेनिस क्रिकेट गोटे तार गोटे प्लस पॉइंट हूँ आम रिलेसनटा आज भी जब मुझे तुम सहित चिन्ह कि भाई आम भिड कर तो आम ये क्रिकेट थ्रो कर टेनिस क्रिकेट सबुठ बड़ उपलब्धि होती आम रिलेसन मैंने ये फ्रेंड सर्कल बढ़िया कि धर सांगसाथी ये गाँव को गले से पिला चिन्ह यही जिनस तो मुझे समस्त की कहवाक चाहिए टेनिस क्रिकेट आम किसी पाया नहीं पांच वर्ष पर कई ग्राउंड में नी नी सी निये नई नी रिलेसनटा एमती रहा दरकार जहाँकि मैंने कौट गोटे किसी असुविधा है धर आम सेपटे कौन से असुविधा है मुझे आपको फोन करी कि भाई एमती प्रोब्लेम होती तो निश्चिंत आसिक पहुँचे से ही जिनसटा मैंने सब प्लेयर मैंने जो मैंने खेलुँ समस्त कहबी रिलेसन हांपर न होगा दरकार रिलेसन हो टेनिस क्रिकेटर गिफ्ट टेनिस क्रिकेटर लोकाल अंचल गिफ्ट हो रिलेसन आठ मैंने एवं तो जो मनी चलती लोकाल क्रिकेट में 500 नौ प्लेयर खेल दुईश नौ खेल तो ताकू सब बात देकी रिलेसन रहा दरकार रिलेसन हो सब मैंने टेनिस क्रिकेटर मैंने सब प्लस पॉइंट हो रिलेसन शेष गोटे व्यक्तिगत फनीस्ट क्वेश्चन आरके भाई लव कर लव्रे सफल कंटिन्यू अच्छे ना असफल कंटिन्यू अच्छे भाउज कौन कह क्रिकेट भाउज पसंद करते क्रिकेट के भी मत मानने जब भी मुझे मैच जाए पूर्व मत एनकरेज कै आज भल खेल जमी भल खेल आसिले पचारे क्रिकेट बुझे ना कि क्रिकेट सी किसी बुझे ना कि पचार आज कमी खेल रहा कमी मैच जीतल ना हारा मुझे जो हारिक आसती कहवाक पड़े ना ऑब्वियसली जान जा हारी जाइए मैच आज मैच हार ये थिले आरके भाई जाजपुर जिलार जड़े यंगेस्ट प्लेयर बहुत क्रीड़ा तंकर रेकर्ड से करीड़ा विषय कहते कौन क्रीड़ा को नहीं भविष्य मध्य कर विषय कहले और व्यक्तिगत जीवन भल मंद कथा आम सहित सेयार कले तो भाई आम चैनल विषय कौन कह चैनल विषय कहवाक चाहिए ये मैंने गोटे ये प्लाटफर्मटा आगे नाला पाखापाखि बोधे इवेन गोटे वर्ष भितर आप बोधे कर तो यहाँ मैंने गोटे बेस्ट वे कि आम मानक रिप्रेजेंट करें आम भी जो मैंने वयस्क होबू जब भी इच्छा हम यूट्यूब खोलू आर जे 1 2 3 मारू ये सब देखू तो निहाती गोटे बहुत बढ़िया प्लाटफर्म रही आम लोकाल अंचल ये सब जिनस निहाती हो ना दरकार तो आपको प्रथम अशेष अशेष धन्यवाद देवी जे कि प्लाटफर्मटा आनी
या फिर बहुत जो मैंने सब क्रिकेट खेलुँ से भी गोटे इंटरेस्ट बढ़ुच्छे कि आम ये चैनल आसवा दरकार कि आसिले आमको हे तो बाहर किसी भी जानवे कि आम एत क्रिकेट खेलुन तो ये चैनल आसवा दरकार निहत तो यहाँ बहुत आगू जीव मुक गेस करुँ ये चैनल बहुत आगू जीव आ लोकाल आर गोटे निश्चिंत भाव में गोटे छाप रही है जार जो वन टू थ्री गोटे क्रिकेट चैनल रही जोटा कि सब स्टार प्लेयर को इंटर मैंने इंटरव्यू निहुँची तो यहाँ निश्चिंत भाव बहुत आगू जीव कॉन्फिडेंट अच्छे ये चैनल बहुत आगू जीव धन्यवाद ये थिले आरके भाई निश्चित रूप से क्रीड़ा एवं निजर भविष्य विषय में बहुत भल भाव कहते आम जहाँ देख लु कि आरके भाई कौन सी मानने मानते लुचा छुपा कथा नुह पूरा स्ट्रेटली कहले आउ इंटरव्यू मत भल लगला जदि आपन को आम चैनल भल लगे निश्चित रूप से शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आउ निजर कमेंट मध्यम निजर मतामत जनइबे रहिलु पुणी देखा हम आउ जन स्टार सहित।